शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर शहर में बीते कुछ दिनों से मनपा के आम सभा की चर्चा चल रही थी। इस सभा को आयुक्त तुकाराम मुंडे ने अनुमति नहीं दी, मगर सत्ता पक्ष ने राज्य से गुहार लगाते हुए सभा की अनुमति ली। आखिरकार शनिवार को हुई सभा में जो होना था वही हुआ। सभा के पहले प्रश्न उत्तर में सभी नगर सेवकों ने आयुक्त पर सवालों की झड़ी लगा दी। शहर के केटी नगर के व्यापार संकुलन का इस्तेमाल अब कोविड केंद्र के लिए किया जा रहा है। नगर सेवक हरीश ग्वालवंशी ने सभागृह में सवाल पूछा कि इस जगह का इस्तेमाल बदलने का अधिकार किसे है। इस सवाल का जवाब अधिकारी न दे पाए। जब मुंडे जवाब देने उठे, उसके बाद नगर सेवक दयाशंकर तिवारी ने महापौर से बात करने की अनुमति मांगी, मगर ये मुंडे को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे मेरी बात रखने दो। इसके बाद तिवारी और मुंडे के बीच शाब्दिक युद्ध हुआ। इसके बाद मुंडे ने कहा कि ऐसा रहा तो मैं सभा से निकल जाऊंगा। ये सुनते ही सभागृह में शोर मच गया। नगर सेवक ग्वालवंशी ने भी मुंडे के बारे में बात की। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई और सभा का त्याग कर सभा से मुंडे निकल गए। माननीय महापौर जी ने 12 तारीख को सभा का पत्र निकाला, उस विषय में मैंने विस्तारित प्रेस में आपके समक्ष सारी जानकारी दी। आयुक्त चाहते थे कि ये सभा ना हो, कारण उन्होंने जो भी काले धंधे पिछले 3-4 महीनों में किए हो वो सभागृह के माध्यम से जनता के समक्ष आ जाएगी तो उनका असली चेहरा उजागर होगा। ये सारी चीज़ों के कारण आयुक्त सभा नहीं लेने देना चाहते थे, परंतु राज्य सरकार का एक परिपत्र था, उसके अनुरूप सभा लेने के लिए माननीय महापौर जी ने पुनः पत्र दिया। आयुक्त ने उस सभा को टालने के लिए वो पत्र राज्य सरकार के पास भेज दिया और राज्य सरकार ने कहा कि जब हम पहले ही आदेश दे चुके हैं तो सभा की तैयारी करो और सभा लो। आज सभा हुई, सभा में पहले ही प्रश्न था माननीय ग्वालवंशी जी का और उन्होंने प्रश्न किया कि जो आरक्षण महानगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है उस आरक्षण को बदलने का अधिकार आयुक्त को है या सभागृह को। नियम से वो अधिकार सभागृह को है, इस बात को स्पष्ट रूप से हमारे टाउन प्लानिंग ऑफिसर ने भी स्वीकृत किया और ये स्वीकृत किया कि वहाँ काम हॉस्पिटल का चल रहा है। इस विषय को लेकर के आयुक्त महोदय को अपना वक्तव्य देना था। आयुक्त महोदय जगलिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं और अपने शब्दजाल में लोगों को भ्रमित करके लोगों को भड़काने की बहकाने की कोशिश करते हैं। वही प्रयास आयुक्त महोदय ने आज भी सभागृह में किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वहाँ पर PHC पहले से थी और उस जगह हम कोविड के लिए दवाखाना बनाने के लिए गए। हे अभूतपूर्व झालं, इतिहासात कधी असं घडलं नाही महानगरपालिकेच्या। मला अत्यंत खेद आहे, अत्यंत वाईट वाटत आहे की महानगरपालिकेच्या परंपरेत मी 20 वर्षापासून या सभागृहाचा सदस्य आहे। यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस, सरदार अटल बहादूर सिंग, हिम्मतराव सरायकर, नाना शामपुळे असे 101 सदस्य या ठिकाणी होते आणि ज्या पद्धतीने ही घटना घडली, ही लोकशाहीची हत्या करणारी घटना आहे। खरं म्हणजे कुठेही अविश्वासाचा जो ठराव आला तो देखील आम्ही नाकारला, परंतु चर्चाच करायची नाही, ऐकून घ्यायचं नाही, या सभागृहाचे नियम आहे। कोणालाही बोलायला उभं राहिलं असताना पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और पॉइंट ऑफ ऑर्डर या नावाखाली त्याला इंटरप्ट करता येतं, पण दुर्दैवाने आयुक्तांची भूमिका प्रचंड दुराग्रही होती। त्यांनी म्हटलं की या पद्धतीने मला कोणी अडवायचं नाही, माझ्या बोलण्यात कोणी बोललेलं मला चालणार नाही आणि त्यामुळे त्यांनी सभागृह सोडून जाणं प्रिफर केलं। त्यांना विनंती केली, मीसुद्धा विनंती केली आणि आता सभागृहाच्या तर्फे देखील पुन्हा एकदा विनंती करतो आहे की त्यांनी त्यांचा दुराग्रह सोडावा। या ठिकाणी काही नियम असतात, काही परंपरा असते आणि त्यामुळे त्यांनी पुन्हा मंगळवारी सभागृहात यावं अशी विनंती। खरं म्हणजे महापौर विनंती करत नसतात, तरी मी माझे बाकीचे रीतिरिवाज बाजूला ठेवून मी त्यांना विनंती करतो आहे, त्यांनी सभागृहात यावं, जनप्रतिनिधींसोबत चर्चा करावी, जे काय निर्णय होईल त्यावेळी आपण निर्णय काढूया।